इस जीत ने कई संदेश दे दिए, नैतिकता को तो तिलांजलि दे रखी है, तो करार तमाचा लगाया है जनता ने, वहाँ की कर्णपुरी जनता ने करार तमाचा लगाया है। राजस्थान के श्री गंगानगर जिले की श्री कर्णपुर सीट पर बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। जिले की कर्णपुर विधानसभा चुनाव का रिजल्ट चौंकाने वाला सामने आया है। यहां बीजेपी प्रत्याशी सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को कांग्रेस प्रत्याशी रूपिंदर सिंह कुन्नूर ने उपचुनाव में करारी मात दी है। नई नवेली भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल सरकार के मंत्री की कर्णपुर विधानसभा चुनाव में बड़ी हार हुई है। कांग्रेस के रूपिंदर पाल सिंह कुन्नूर ने 12,570 वोटों से करारी मात दी है। कांग्रेस प्रत्याशी की जीत को लेकर गदगद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने क्या कुछ कहा वो सुनिए। देखिए, 12,000 वोट से सीट जीत गई है, इस जीत ने कई संदेश दे दिए हैं। ये कोई खाली उपचुनाव नहीं रहा, बल्कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी का अहंकार और घमंड है, और जिस प्रकार उन्होंने नैतिकता को तो तिलांजलि दे रखी है, चुनाव चल रहा है, एक प्रत्याशी का मंत्रिपद की शपथ दिला रहे हो, इलेक्शन कमीशन में शिकायत की गई, कोई असर नहीं हुआ, तो करार तमाचा लगाया है जनता ने, वहां की कर्णपुर जनता ने करार तमाचा लगाया है। चुनाव चल रहा है और आप अपने उम्मीदवार को मंत्रिपद बना रहे हो, मंत्री को तो जब मंत्री होता भी है, चुनाव लड़ता है तो ना तो डाक बंगला रुक सकता वो, ना गाड़ी घोड़े काम दे सकता है। तो मैंने पहले ही कह दिया था अब हमारी शानदार जीत होगी मंत्रिपद बनने के बाद। इस चुनाव ने कई संदेश दे दिए बीजेपी को भी, और मैं समझता हूँ कि जनता समझ गई है कि सरकार बनने के बाद में भी हमारी ताकत कम नहीं हुई है, और इसका फायदा में मिलेगा पार्लियामेंट चुनाव के अंदर। पूर्व सीएम अशोक गहलोत का कहना है कि यह उपचुनाव बीजेपी के गाल पर जनता का करारा तमाचा है। चौंकाने वाली बात यह है कि बीजेपी ने इस उपचुनाव से पहले ही टीटी को भजनलाल कैबिनेट में मंत्री बना दिया था, इसलिए चुनाव में बीजेपी का काफी कुछ दांव पर लग चुका था। उपचुनाव में बीजेपी की हार ने कहीं न कहीं नए सीएम भजनलाल की साख पर भी एक बहुत बड़ा धब्बा लगाया है। यह जीत कांग्रेस के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी अभी हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 115 सीट जीतकर राजस्थान में बहुमत की सरकार बनाई है। फिलहाल टीटी को मिली हार से कहीं न कहीं बड़ा सदमा भी लगा है, क्योंकि अब उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा भी देना पड़ सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खबरों से जुड़े अन्य अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।